हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टाइकोंडियन। सो आजकल जो वीडियो है वो हमारा है 360 to 540 प्रोग्रेशन वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 360 अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप 540 किक कैसे बना सकते हो, जिसे बॉली किक्स भी कहते हैं। तो इस किक को करने के लिए मैं आज आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है बॉली किक जो है कर सकते हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वेट, जैसे कि एंकल वेट जिसे कहते हैं। अगर आपके पास एंकल वेट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा भारी चीज़ को आप पैर में बांध सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंकल वेट कैसे होता है। इस टाइप का एंकल वेट आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप में, स्पोर्ट का शॉप होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ जाके आप एंकल वेट लोगे तो मिल जाएगा आपको। आपको ये कई वेरिएशन में मिल जाएगा, जैसे कि हाफ के जी, 1 kg। तो मेरे पास जो है 1 kg है, इससे भी ज़्यादा का होता है। पर अगर आप बॉली किक सीखने के लिए ले रहे हो तो आपको 1/2 kg सही रहेगा। और अगर नहीं, अगर आपको ज़्यादा परफेक्ट है आपका किक, तो आप 1 kg वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब ये यूज़ करोगे कैसे, आपको सिंपल सा आपको ये बांधना अपने पैर में, तो मैं आपको बांध के दिखा देता हूँ एक बार। सिंपल सा आपको क्या करना है कि एंकल वेट ऐसे लेना है और आपको सिंपल सा अपना पैर ओपन करके इसको लगा लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लगाओगे जितना हो सके टाइट करना है, ताकि आपको जो है खुले ना, उसका लोअर थोड़ा सा डाउन। और ये आपका उस लेग पे लगाना है जिस किक से आप, मतलब कि जिस लेग से आपको किक करना हो। जैसे कि अगर मैं राइट से मारूंगा और राइट ही लेग नीचे लेकर आना बॉली किक में, तो इसलिए मैं राइट में लगा रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट ही हो, लेफ्ट लेग से किक करना हो, लेफ्ट लेग ही डाउन रखना है बॉली किक में, तो आप लेफ्ट में पहन सकते हो। तो मैं राइट ही हूँ, राइट में पहना हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहले आपको कुछ वार्म अप करना पड़ेगा, किसी भी किक से या कुछ भी करने से पहले आपको वार्म अप होना जरूरी है आपका बॉडी, ताकि जो है आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो भी पावर है वो इंक्रीज हो सके। तो वार्म अप करना जरूरी है। तो अगर आपको वार्म अप करना नहीं आता तो एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, जिसका लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप जो है देख सकते हो एक्सरसाइज, और वो करने के बाद आपका जो बॉडी है वार्म अप हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो चलते फिर नेक्स्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको 360 आना जरूरी है। तो 360 का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बॉली किक का भी मिल जाएगा आपको। तो दोनों देखने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप ये वीडियो देख सकते हो पूरा। तो सबसे पहले जो आपको 360 आना जरूरी है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप बॉली किक सीखना चाहते हो तो एंकल वेट से क्या लेन देन है। तो एंकल वेट इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि जैसे कि आपको राइट लेग में पहनना है, अगर आप राइट से किक करते हो, ठीक है। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो सुना ही होगा, कोई भी ऊपर फेंकोगे तो वो जाहिर सी बात है नीचे आएगा उसका वेट की वजह से, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको जो राइट लेग में अगर वेट है तो जैसे किक करोगे राइट लेग अपने आप जो है ऑटोमेटिकली नीचे आना कोशिश करेगा। तो इसीलिए आपको इससे फ़ायदा उठा सकते हो, बस ये कि ज़्यादा वेट ना ले लें और ज़्यादा कम नहीं, नॉर्मली वेट लेना है जिससे कि आप जो है कर सको। तो आपको उसके बाद 360 करना है। तो 360 में आपको करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा वेट रहेगा, उसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर आपको ये करना है कि नॉर्मली धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करोगे, फिर अपना जो है लेवल थोड़ा सा अप करोगे। तो नॉर्मल जो पहले स्टार्टिंग करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इससे एंकल ये थोड़ा सा वेट हो जाता है, तो उसकी वजह से कंट्रोलिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है वेट जो है आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगा, कि कुछ हल्का ही लगने लगेगा कुछ, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने से जो है वेट जो है आपको नॉर्मली हॉबी आदत लग जाएगा, कि जिसकी वजह से जो वेट है कम लगेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको। अब इसके बाद आपको ये करना है कि जब ये किक है, अब आपको जब भी ये डाउन जाएगा तो सेकंड लेग आपको फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से जाते ही ये फोल्ड करना है, इसको फोल्ड जैसे करोगे, यहाँ से किक गया ये फोल्ड, तो इससे ये होगा कि जो आपका बॉली किक में जो किक मारते हो, किक मारते समय जो सेकंड लेग है वो फोल्ड करने से राइट लेग से ही किक भी होगा और इसी से लैंडिंग भी होगा। तो इसी का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसको ट्राई जब करोगे तो सबसे नीचे से ट्राई करना, जब नीचे से ट्राई करोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पीड हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पर जो है वेट ज़्यादा होने की वजह से आपका जो है पैर ऑटोमेटिकली स्पीड में आना चाहेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे आप इसको करोगे, ये थोड़ा सा वेट होने की वजह से आपको जो है नीचे ही आएगा और तुरंत इसी पैर पर लैंडिंग होने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको जो लेवल थोड़ा सा अप करना है, अपना पैर को थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। तो कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे इतना टारगेट है, तो उसके हिसाब से आपको उतने किक पे करना और जो है सेकंड लेग फोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से ये फोल्ड करना है और इसी से जंप और इसी से किक करके इसी पे लैंडिंग करना है राइट लेग पे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। जैसे ये करोगे उसको आपको जो है लेवल थोड़ा सा और अप करना है, जिससे कि ये होगा आपका जो वेट है उसकी वजह से आपको इसी पे लैंडिंग होने पे हेल्प करेगा। बट ये कि कंट्रोलिंग अपना बॉडी पे रखे रहना नहीं रखोगे तो आप ज़्यादा रोटेशन कर जाओगे या फिर आएगा भी नहीं तो चोट लगने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली करना। तो हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं टारगेट, ठीक है। जब ये रेगुलर प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा ये पैर जो है जैसे एंकल वेट हटाओगे थोड़ा सा वेट जो है कम हो लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ पहने नहीं और एकदम हल्का महसूस होने लगेगा। तो इससे ये होगा कि जब प्रैक्टिस करोगे इसी पैर से लैंडिंग आते समय ध्यान देना, इमेजिन यही करना कि आपका वेट अब आपके लेग में जो वेट है अभी भी है और उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना पावर लगा रहे थे इस वेट को उठाने के लिए उतना ही पावर अभी भी लगाना है आपको, ताकि जो है इसी पैर पे बॉली किक भी हो सके और इसी पे लैंडिंग हो सके मतलब कि, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा। तो अब इसको एंकल वेट हो गया, इसके बाद एंकल वेट को हटा के फिर कैसे करते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप बिना वार्म अप के अगर एंकल वेट लगा के 360 प्रैक्टिस कर रहे हो बॉली किक, तो आपके जो थाई में जो है जर्क आने के चांसेस रहेगा। और इसमें ये ध्यान देना है कि एंकल वेट पहन के अगर आप कर रहे हो 360 तो आपका परफेक्ट होना जरूरी है। अगर आपका रोटेशन स्पीड नहीं है और एंकल वेट पहन के कर रहे हो तो आपके जो कमर पे जर्क आने के चांसेस रहेगा, बिकॉज जैसे कि हैंड मूवमेंट लेना है तो हैंड मूवमेंट के साथ आपका पूरा फुल बॉडी रोटेशन होता है। अगर आपको फुल बॉडी रोटेशन नहीं होगा और ओनली लैग जाएगा तो इससे ये होगा कि आपके जो कमर पे जर्क आने की चांसेस रहेगा, इसलिए आपको वार्म अप होने के बाद ही प्रैक्टिस करना और 360 एकदम परफेक्ट हो देन ही आप जो है एंकल वेट पहन के बॉली किक करने की ट्राई कीजिएगा। और बॉली किक जब भी यूज़ करो तो आपका जो बॉडी है एयर में कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हवा में जितना बॉडी आपका रुकेगा उतना टाइम आपके लेग को स्पीड में लैंडिंग करने के लिए चांसेस मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको बॉडी, ठीक है। आपको जो सामने इधर है तो आपको बॉडी हल्का सा झुका होना जरूरी है, इसकी वजह से कि आपको जो लैग स्पीड में आने का जो है टाइमिंग मिल सके। ये सबसे मेन बात है किसी भी रोटेशन वाले किक के लिए, चाहे वो 720 हो, 900 हो या फिर 1020 भी क्यों ना हो, आपको बॉडी जो है हवा में कुछ इस तरीके से रखना है जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक रोटेशन कर सको। तो ये सबसे मेन जो टॉपिक था। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करोगे एंकल वेट के बिना, तो आप सेम वही जो आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था एंकल वेट पहन के नीचे ट्राई करोगे, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और इसमें एक दो और चांस है, जैसे कि आप साइड से कर सकते हो, यहाँ घुमा यहाँ से ये करके साइड में, अगर साइड में अगर आपका हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, साइड में अगर हो जाता है तो आप फ्रंट में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएगा उसके बाद तो आपका 720 के लिए आप रेडी हो करने के लिए। अगर 720 का वीडियो देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आई होप जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।